तो मैं अभी निकल रहा हूँ चार मीनार के चार से बाहर की ओर, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में है। बाकी का इधर है जीप, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और जीप के अंदर में बैठकर वहाँ खा सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपना बिहार में है, नालंदा में, जो कि इस साइड। तो यह गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। अच्छा, मुझे लगा था कि पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर से आप सभी के साथ एक दिल्ली का ही ब्लॉग लेकर आ रहे हैं। तो आज घूमने वाले हैं भारत दर्शन। बेसिकली भारत दर्शन के बारे में आपको बता दें तो भारत के विभिन्न स्टेट में जो मंदिर वगैरह रहते हैं, फेमस फेमस मंदिर, उसका सभी फिगर वगैरह रहता है। बाकी का उसमें ही जाकर देखेंगे। और अभी बता दूँ तो मैं अभी हूँ पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर। लोकेशन वगैरह सारा कुछ अंदर जाकर बताएंगे। वैसे मुझे भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो सभी से पूछते हैं और पहुँचते हैं भारत दर्शन वाले गेट के पास और उसके अंदर। उसके बाद सारा कुछ आपको हम बताते हैं कि टिकट वगैरह का प्राइस कितना लगता है, वो सब कुछ आपको बताते हैं। तो बाकी का आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो मेट्रो से निकलने के बाद ऑटो वगैरह नहीं मिला। एक्चुअली यहाँ से जो है ना भारत दर्शन के लिए 1 किलोमीटर ही है। तो मेट्रो से निकलने के बाद सोचे कि ऑटो वगैरह मिल जाएगी, बट मुझे ऑटो मिला नहीं। मतलब चलती तो होगी लेकिन ऑटो मिला नहीं। तो सोचे पैदल ही निकल लेते हैं जब 1 किलोमीटर ही है तो बस अब चलते हैं पैदल ही। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में है। और हाँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें जो कि पंजाबी बाग ईस्ट करके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। बाकी का इधर है पंजाबी बाग में, पंजाबी बाग का एंट्री गेट। तो अभी टिकट वगैरह कटवाते हैं, टिकट का कितना प्राइस रहता है वो आपको हम बताते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। और एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा है भारत दर्शन पार्क के अंदर जाने का, और वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा वो चीज़ देखने का। बाकी का अंदर चलते हैं और आप सभी को हम दिखाते हैं। जी, तो टिकट वगैरह सब कटवा लिए हैं। और टिकट की प्राइस की बात करें तो पर पर्सन आपको 150 रुपया लगेगा अंदर जाने का, और अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा आप सभी को दिखाएंगे। टिकट काउंटर की बात करें तो सिर्फ ऑफलाइन ही उपलब्ध रहेगा टिकट काउंटर, और जो कि मेन गेट के जस्ट बगल में ही है टिकट काउंटर, उधर पर उधर साइड में। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको कि मंडे को भारत दर्शन पार्क बंद रहता है, जो कि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके, तो एंट्री वगैरह कर चुके हैं और टिकट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली 150 रुपया है, 150 रुपया तो मुझे वैसे ज़्यादा लग रहा है। बाकी का पहले देखेंगे ना कि अगर 150 रुपया लिया जा रहा है तो अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा, वो तो देखना जरूरी है ना। और अभी जैसे ही एंट्री किए, एंट्री करते ही ऐसा कुछ देखने को सबसे पहले मिलेगा, G2 भारत 2023 वसुदेव कुटुंबकम। बाकी का मैं भी इस सब का फोटो खिंचवाता हूँ और जो कि आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करेंगे। बाकी का कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। जैसे ही एंट्री करने के बाद सबसे पहले मुझे देखने को मिला गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, जो कि इधर इस साइड आप लोग देख सकते हैं। यह गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और आपको देखने को मिल रहा है भारत दर्शन दिल्ली में, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें जो कि मुंबई में है। और इधर ऐसे करके कुछ लिखा रहता है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में ऐसा दिखता है और हमारे दिल्ली में ऐसा ही दिखता है। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के बाद हम लोगों के हिंदू धर्म में जो होता है बरगद का पेड़, उसका कुछ ऐसा बना हुआ है, जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं ऐसा बना हुआ है। ओके, अब मुझे देखने को मिला यहाँ पर एक हवा महल, जो कि जयपुर में है, और इस साथ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। देखो, इसका बनाने का पर्पस ये रहा होगा कि आप भारत दर्शन कर सके। अब भारत के विभिन्न राज्यों में अगर आप नहीं जा सकते हैं तो दिल्ली में आकर, और जो फेमस फेमस चीज़ है जैसा कि हवा महल हो गया, कुतुब मीनार वगैरह, वैसे तो कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, और बाकी का जितना स्टेट वगैरह है सभी चीज़ यहाँ पर फेमस फेमस देखने को आप सभी को मिल जाएगा। बाकी का और क्या हम लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कुतुब मीनार, जो कि रियल में आपको हम दिखाए थे दिल्ली वाला, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कुछ है जो कि इस साइड में है। हाँ जी, तो उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अपना बिहार में है, नालंदा में, जो कि इस साइड है।
जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये भी। और बाकी का और कुछ कुछ आपको हम दिखा ही रहे हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों को देखने को मिला मीनाक्षी टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, ऐसा कुछ देखने को लग रहा है। बाकी का इसका और हाँ, ये जो खास जगह ये है कि सेल्फी पॉइंट काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर जगह है, हम भी यहाँ पर फोटो वगैरह सब कुछ खिंचवा रहे हैं। बाकी का आप मीनाक्षी मंदिर देखिए दिल्ली में, और है ये तमिलनाडु में। गाड़ी चलाते हो भाई, चलो इस मंदिर को देखते देखते ये सब भी मजा उठाना अच्छा लगता है। बाकी का ये है गियर और ये है हैंडल। तो अब है हमारे सामने बद्रीनाथ टेम्पल जो कि उत्तराखंड में है, जो कि पूरा भारत में काफी फेमस है, जो कि इस तरफ है बद्रीनाथ मंदिर देख सकते हैं आप लोग। द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में, ये भी काफी फेमस है, जो कि इस तरफ आपको देखने को मिल रहा होगा ये है। ओके, तो भारत दर्शन पार्क जिसका नाम है, जब जो कि अभी हम लोग इसके अंदर में है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है भारत दर्शन पार्क, इधर आप लोग देख सकते हैं इसको। सभी मंदिरों के बाद अभी एक मुझे देखने को मिला रामेश्वरम मंदिर जो कि इधर है। अब बाकी का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखने को मिला जगन्नाथ पुरी मंदिर जो कि उड़ीसा में है, जो कि इस प्रकार के इधर नजर आ रहा होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ महाबत पैलेस जो कि गुजरात में है, और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ये है। अच्छा, मुझे लगा था कि पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन ना, अभी बहुत चीज़ है यहाँ पर देखने को और जो कि आप सभी को हम दिखाते हैं। बाकी का वीडियो कैसा अभी तक लगा और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। प्रदेश के छतरपुर में जो खजुराहो मंदिर है उसका आपको हम दिखाते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो हाँ, ये मस्ट विजिट वाले प्लेस है। ओके, तो आप लोग ना यहाँ पर अपने बच्चों को भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक है और काफ़ी अच्छा देखने को लगेगा, और काफ़ी जानकारी मिलेगा कि पूरा भारत में क्या क्या फेमस टेंपल वगैरह है और कौन कौन से स्टेट में है, वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगा विद फोटो। फोटो भी आप खिंचवा सकते हैं, वैसे अगर जानकारी लेना चाहते तो आप तो इंटरनेट से भी आप अपने बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर आकर आप अपने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं। ओके, तो कोणार्क टेम्पल की बात करें जो कि उड़ीसा में है, और लुक की बात करें तो ऐसा कुछ देखने को मिला होगा जो कि इस साइड में है, और सभी का आप सभी को साथ हम साइनामेटिक शॉट भी आपको हम दिखाते हैं। ओके, तो मैं अभी निकल रहा हूँ चार मीनार से बाहर की ओर, जो कि हैदराबाद के तेलंगाना में है। लुक की बात करें तो ऐसा देखने को मिल रहा है, पीछे है आप सभी को हम्पी रथ जो कि तेलंगाना में है। देखने की बात करें लुक, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और आप सभी को बता दें, ये सब जो है ना लोहा का बना हुआ है और जंग थोड़ा सा लगा हुआ है, एक्चुअली लोहा है तो जंग तो लगेगा ही है। लुक की बात करें तो ऐसा लग रहा है। ओके, तो मुझे तो लगा था कि पैसा बर्बाद हो गया था, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। और सबसे जो घूमने वाली जगह है जो कि हमारे इंडिया में है, ताजमहल, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको भी आपको हम दिखाएंगे। मुझे तो सच में लगा था कि पैसा बर्बाद हो गया था, लेकिन नहीं, पैसा सही है, 150 रुपया सही है, क्योंकि सभी कुछ देखने को मिल रहा है तो 150 रुपया सही है। बाकी का अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल के पास में, जो देखने में काफ़ी शानदार लग रहा है भाई, दिखाते हैं आप सभी को, एक मिनट, ये देखो ताजमहल। ये जितना चीज़ दिखाए ना, मेरा फ्यूचर का प्लान है कि ये जितना भारत दर्शन में अभी जो हमने देखा है, फ्यूचर में ये सभी जगह रियल जगह पर जाने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का, YouTube स्टार्ट करने का मकसद ही मेरा यही था कि आप लोगों के साथ सभी कुछ दिखाने का। और बाकी का जितना कुछ रियल में गए हैं वो सभी YouTube पर दिखाए हैं, सभी का प्लेलिस्ट बनाए हुए, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं जहाँ जहाँ हमने घूमा है, और आप लोगों को भी घुमाएँगे, प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिएगा। ओके, तो अब आपको हम दिखाते हैं मैसूर प्लेस जो कि कालकाता में है, सॉरी जो कि कर्नाटक में है। और जैसा कि आपको हम बताए थे कि आप यहाँ पर अपने बच्चों को साथ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के काफ़ी ये अट्रैक्ट करेगी। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, ये घोड़ा वगैरह है रथ का आकार का, बच्चा लोग ये देख कर यहाँ पर बैठ कर काफ़ी इंजॉय उठा सकते हैं।
तो आप लोग भी यहाँ पर आकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। और बाकी का कुछ बातचीत करने का सीन बनता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पर होता है। ये चीज़ बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कमेंट पे लोग बार बार पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं और वगैरह वगैरह बहुत चीज़ पूछते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर है, उस पर जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बाकी का वीडियो कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ओके, तो भारत दर्शन पार्क के अंदर में आपको एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको अगर भूख वगैरह लग सकता है तो आप अंदर में आकर खा भी सकते हैं। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट है जो कि उस साइड में है, उधर भी आपको हम दिखाएंगे। बाकी का सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इधर आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो अभी यह भारत दर्शन जो है बच्चों के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर कुछ काम अभी चल ही रहा है, जो कि इस साइड में हो रहा है सभी काम में, और जो कि इधर फुल स्पेस है तो इस साइड में सभी काम हो रहा है जो कि बच्चों के लिए है। ये बच्चों के काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है तो इसलिए बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर में आपको एक स्कूटर भी देखने को मिल जाएगा जो कि ख़राब है लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है, इस पर आप बैठकर एंजॉय उठा सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत ऐसे प्रकार का सामान है जो कि उस साइड आप देखेंगे तो उधर जीप है और इस साइड में स्कूटर है, और ऐसे ही बहुत सारा सामान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जो सामान है ना, ये आपको एक रेस्टोरेंट यहाँ पर बना हुआ है इसके अंदर में है, जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं स्कूटर का कुछ इस प्रकार का रेस्टोरेंट में बनाया गया है, और इस साइड और इस साइड बैठकर और बीच में खा सकते हैं। बाकी का इधर है जीप जो कि आप लोग देख सकते हैं, और जीप के अंदर में बैठकर वहां खा सकते हैं। और जैसा कि आपको बताया थे कि यह बच्चा का अट्रैक्टिव करता है तो बच्चे भी उधर एंजॉय उठा रहे हैं। देखो, मैं तो आया था सुबह का 10 बजे, तो उतना तो ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ भी भीड़ लगा है, जो कि इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी भीड़ हो चुका है। मैं आया था यहाँ पर 10 बजे, तो इस वजह से उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन अभी 12 बजने को है तो अभी भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। मुझे लगा था कि भीड़ वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। ओके, तो जैसा कि आपको हम बताए थे कि यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चियों को लेकर आकर अच्छी अच्छी ज्ञाने दे सकते हैं। अभी मैंने एक ओल्ड एज वाले अंकल जी को देखे, वो अपने बच्चों को बता रहे थे ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यह जब इसमें आग लगी थी ना तो टोटल 2 से 2.5 महीने तक आग लगी हुई थी, क्योंकि पुस्तकें उतना ज़्यादा था। तो अभी सभी लोग अभी वो अपने पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चों को ये सभी बातें बता रहे थे, इस वजह से भी कह रहे हैं कि आप जरूर यहाँ पर अपने बच्चे को लेकर आएँ और ये सभी कुछ चीज़ घुमाएं। ओके, तो आज का यह वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते, आशा करते हैं कि आप सभी को आज वाली यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का जो वीडियो था कुछ यूनिक था, भारत दर्शन वाला जो था पार्क, यह कुछ यूनिक था जो कि आप लोग साथ शेयर किए। बाकी क्या बताइए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए अभी तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दिल्ली रिलेटेड और भी वीडियो आते ही रहता है, और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया घूमेंगे तो उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। तो बाकी का मिलते हैं दिल्ली का किसी और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।